नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज देश अपनी 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा गणतंत्र दिवस पर। 75वां गणतंत्र दिवस 75। अभी हमने 15 अगस्त 2022 को 75वां देश का 75 साल स्वतंत्रता दिवस के हुए थे, और आज हम मना रहे हैं 75वां गणतंत्र दिवस। हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस था वो 26 जनवरी 1950 को था, और आज 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस है। तो आज हम सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि गणतंत्र दिवस आखिर है क्या, स्वतंत्रता दिवस क्या है, संविधान दिवस क्या, ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे है, और अपना संविधान निर्माण कैसे तैयार हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे, उन्होंने इसके लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए थे जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का संविधान बना था। और आगे आज मैं देश के महामहिम बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहूँगा, जो जिन्होंने इस संविधान को बहुत अच्छे सुनहरे अक्षरों से लिखने में ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई थी। और तथा फिर मैं आगे ये बताऊंगा कि आज जब देश अपना 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आज़ादी के अमृत काल में आगामी 25 वर्षों में जब देश कि आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे, तो हमारे सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आज भी हमें मतलब कि उन चुनौतियों से हम निपट नहीं पा रहे हैं, जो हमारे सामने एक मील का पत्थर साबित हो रही है। और फिर मैं लास्ट में बात करूंगा कि आज के जो 26 जनवरी 2024 को हमारे चीफ गेस्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन, तो उनको चीफ गेस्ट क्यों बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आज देश के आजादी का 75वां गणतंत्र दिवस। तो आज 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75 गणतंत्र दिवस बनाया है, और इसके मुख्य अतिथि है फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन। पृष्ठभूमि के रूप में आपको बता देता हूँ कि जो हमारा देश जब आजाद हुआ था, आजादी की तारीख थी 15 अगस्त 1947। आजादी की दिन हम बनाते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त को तो हम हर साल बनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 2023 तक हमने अपने स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। नंबर दो बात है, जो हमारा संविधान है, ये लगभग हमारे संविधान के जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने विश्व के लगभग 60 अच्छे अच्छे देशों के संविधान का स्टडी करने के बाद और लगभग 3 साल की एफर्ट्स करने के बाद भारत का संविधान तैयार किया था। और जो संविधान जिस दिन तैयार हुआ था उस दिन तारीख थी 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके पूरी तरह से तैयार हो गया था, इसको पारित कर दिया गया था। उसके कुछ प्रोविजन तो जैसे सिटीजनशिप है और इलेक्शन कमीशन रिलेटेड तो उसी दिन लागू कर दिए थे, और जो मोटा मोटा हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम 26 नवंबर 1949 के दिन की वजह से हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, और जो 26 जनवरी 1950 से लेके आज तक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी बनाते हैं। और जब हमारा संविधान माना जाता है कि 26 नवंबर को तैयार हो ही गया था, उस दिन पारित भी हो गया था, उस दिन पूरा हमने लागू क्यों नहीं किया, हमने 26 जनवरी का वेट क्यों किया, इसका भी एक ऐतिहासिक कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मोटा मोटी इसके पीछे ये है कि हमने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे शपथ ली थी कि हम 26 जनवरी, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी और बाद में देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, भारत सरकार 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और पहला आजादी से पूर्व जो स्वाधीनता दिवस था हमारा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, तो इसलिए 26 जनवरी को हमने ये डेट को लिया। ठीक है, फिर एक है कि भारत प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के पूरी तरह से तैयार हो गया था, इसको पारित कर दिया गया था। माना जाता है कि 284 मेंबर ने इसमें साइन किए थे, उसमें माना जाता है कि 15 महिलाएं भी थी, और हमारे संविधान सभा में महिलाएं पुरुष सभी की भागीदारी थी। SC ST OBC जनरल वाले, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मुसलमान, ईसाई, सिख, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव था। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा और सबसे मतलब जीवन दस्तावेज के रूप में सामने आया है। ठीक है, तो उसके बाद भारत अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रत्येक साल बनाता है। इसके पीछे कारण है कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी, लाहौर अधिवेशन में हमने शपथ ली थी उस दिन कि हम देश की स्वाधीनता को, देश को जल्दी से जल्दी हम आजाद कराएंगे और स्वाधीन कराएंगे। तो इसलिए 26 जनवरी एक मतलब ऐतिहासिक दिन था,
इस वजह से हमने गणतंत्र दिवस का फैसला भी 26 जनवरी को लागू करने का किया। ठीक है, उसके बाद ये कि राष्ट्रीय आंदोलन और गणतंत्र दिवस, देखो जैसे हमारा ये जो संविधान है, संविधान बनने से पहले में देश को आज़ादी मिली, आज़ादी ऐसे तो मिली नहीं कि हमें, हमने अंग्रेजों को कहा कि हम आप हमें आज़ाद कर दो और हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी लेने के लिए, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए पूरे भारतीयों ने काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। हजारों लोगों का बलिदान, लाखों लोगों का बलिदान उसके पीछे छिपा हुआ है। उसके बाद हमें ये देश को आज़ादी मिली थी। और आज़ादी के अंदर देखो, मैं ऐसे हर व्यक्ति का तो मुझे, मैं हर आदमी का वैसे नहीं बता सकता क्योंकि वैसे तो पूरे भारतीयों ने योगदान दिया था, किंतु जो हम इतिहास पढ़ते हैं और जो हमारे हमारे को बताया गया है, और उसमें मोटा मोटी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम बात स्टार्ट करते हैं 1914 से 18 के बीच में, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1918। तो अंग्रेजों ने उस समय भारतीयों से अपील की कि ये भारतीय लोग विश्व युद्ध के अंदर हमारी फेवर करें, और जैसे ही आप हमें फेवर करोगे तो युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको आजाद कर देंगे। तो भारतीयों ने इस बात में आके उनको फेवर करना शुरू कर दिया। जैसे हमने 1914 से 18 तक उनका फेवर किया, उनको समर्थन किया प्रथम विश्व युद्ध में, तो 1918 के बाद हमें आजादी नहीं मिली, आजादी के बदले हमें 1919 का एक्ट मिल गया, 1919 का एक्ट, और जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है। इसमें हमें आजादी के जगह प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का भाव यहाँ पे है कि कुछ पावर जो मेन पावर थी, पैसा जहाँ से राजस्व आ सकता था वो अंग्रेजों के पास थी, जहाँ पे खर्च होता है पैसा वो भारतीयों के पास थी। तो पैसा खर्च करने के लिए पैसा चाहिए था, वो अंग्रेज देते ही नहीं थे, इसलिए नाम मात्र का ये प्रांतों का द्वैध शासन था और फेलियर थी स्कीम। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरल था, पृथक निर्वाचन, जो 1919 में जो पार्लियामेंटो एक्ट आया था जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया था, उसका विस्तार किया गया। एंग्लो इंडियन सिख ईसाई को भी इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरल दिया था, मतलब भाव देश को संप्रदाय के आधार पर बांटने की गहरी साजिश थी। ठीक है, तो ये 1919 का एक्ट आया। उसके बाद जब 1919 के एक्ट के में हमें अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया कि हम 10 साल के बाद आपको स्वशासन दे देंगे, आप खुद अपना संविधान तैयार करना, चलता रहा ऐसे करके 1928 के अंदर माना जाता है कि साइमन कमीशन भारत आता है, और साइमन कमीशन अंग्रेज है, मतलब मेनली अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और भारतीयों का जो 1919 का एक्ट है उसके सर्वे करते हैं कि भारतीयों को स्वशासन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसी कड़ी में वो भारतीयों के सामने एक प्रपोजल देते हैं कि आप लोग मिलकर एक भावी संविधान का ड्राफ्ट तैयार करो और हम उसको लागू करेंगे। फिर इसी में जो मोतीलाल जी नेहरू हैं, जो पंडित नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट सामने आती है जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसे मेंबर भी थे, कुछ 8 सदस्य माना जाता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट भी फेल कर जाती है क्योंकि अंग्रेज हमें पावर देने के मूड में नहीं थे, बस वो घुमा रहे थे बात को, कभी कह रहे थे साइमन कमीशन ले लो, कभी कह रहे थे 1919 का एक्ट ले लो, कभी कह रहे थे आपको 1935 का एक्ट दे देंगे, ये है वो, पर आज़ादी नहीं दे रहे थे हमें, मूलते आजादी। फिर ऐसे चलता रहा। फिर 1929 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर वही मतलब कि पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत के अंदर एक शहर है लाहौर, लाहौर के बारे में एक कहावत भी है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं, मतलब लाहौर इतना अच्छा शहर माना जाता है कि जिसने अब दुनिया में लाहौर नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा, वो पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे, ये इसकी कहावत भी बहुत मशहूर है। तो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का था। उसी दिन 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस की शपथ खाई थी कि हम देश को आजाद दिलाएंगे। इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बनने के बावजूद भी देश का जो पहला जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया गया 1949 को। फिर इसी कड़ी में 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर यही बात आया कि आप हमें समर्थन दो, जैसे ही आप हमें समर्थन दोगे फिर हमें संविधान, आप संविधान बनाना, हम आपको आजादी दे देंगे। पर भारतीय अब की बार मूड में थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया। ठीक है, इस बार ऐसी बात ही नहीं, भारतीयों द्वारा खुद सैनिक संगठन तैयार किया गया, और फिर उन्होंने यही भारतीयों को मतलब कि जाल में फंसाने के लिए कहा कि आपको क्रिप्स मिशन भेजा उन्होंने कि आप हम आज नहीं तो आपको कल देंगे क्रिप्स मिशन। फिर कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, बात यहाँ से बनी नहीं। कुल मिला के 1940 का दशक ऐसा था, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का चरम स्तर सामने आता है 1940 में, क्योंकि उन्होंने कभी मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया, फिर सिखों को दिया, फिर एंग्लो इंडियन को दिया, धर्म के आधार पर उन्होंने बांट दिया था। कुल मिला के भाव ये है तो 1940 के दशक में हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, पूरा देश हिंदू मुसलमान दो भागों में बंट जाता है। ठीक है,
इसी कड़ी में भारतीयों ने जब अपना संविधान बनाने की बात आती है, 9 दिसंबर 1946 को माना जाता है संविधान सभा की पहली मीटिंग थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस पहली मीटिंग के अंदर जो संविधान सभा के सबसे सीनियर मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है और संविधान बनाने का काम शुरू हो जाता है। किंतु इस समय जो मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, वो मेंबर इसका बहिष्कार कर देते हैं, एक प्रकार की स्कीम फिर फ्लॉप हो जाती है। किंतु जो भारतीय लोग थे, कांग्रेस जिसको रिप्रेजेंट करी थी, उन्होंने संविधान सभा को आगे चलाए रखा, इसके अंदर हमारे मेंबर आते गए और फिर 11 दिसंबर को स्थायी रूप से जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया गया स्थायी रूप से, ठीक है। और फिर आगे जाके इनकी लगभग 3 साल की कठोर तपस्या के 3 साल की कठोर तपस्या से अंततः अल्टीमेटली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरे बन के तैयार हो जाता है। फिर जब देश आजाद होता है, हमारा देश आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो जो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि थी, उस दिन जो पंडित नेहरू थे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया जो हर भारतीय को यदि आज भी सुनोगे तो बहुत इमोशनल कर देने वाला भाषण है। उस भाषण को बोला जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मतलब नियति के साथ साक्षात्कार, नियति के साथ साक्षात्कार या नियति के साथ मिलन भी बोल सकते हैं, इसको साक्षात्कार भी बोला जाता है, साक्षात्कार जिन्होंने भारत को मतलब एक नए भारत की संकल्पना की थी। आजादी के बाद भारत कैसा होगा कहने का होता, सोने की चिड़िया बनाने का एक प्रकार से सपना देखा था पंडित नेहरू ने, ठीक है। फिर जो आज आपने देखा होगा कि हेडलाइन में आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया में हर जगह एक छपा हुआ है कि हमारे जो चीफ गेस्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, वो मोदी जी के साथ मिल रहे हैं, कल जयपुर में भी उन्होंने रोड शो किया था, अब वो दिल्ली में थे। इसी प्रकार हमारी परंपरा है कि हम हर साल गणतंत्र दिवस को या स्वतंत्रता दिवस को किसी ना किसी एक मुख्य अतिथि के रूप में किसी को बुलाते हैं। उसका कारण है कि जो हमारा अच्छा मित्र देश होता है, मित्र देश का मतलब जो भारतवर्ष के निर्माण में भारत के नेशन बिल्डिंग में काम आता है, हम उस एक देश को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं हमेशा। ये हमारी हमेशा से परंपरा है। जो हमारा 26 जनवरी 1950 को माना जाता है, जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय पंडित नेहरू ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो साहब को मतलब कि सुकार्नो साहब को चीफ गेस्ट के रूप में बनाया था। ये सुकार्नो साहब वही है जो आपने सुना भी होगा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया था कोल्ड वार के एरा में, तो उस समय भारत मिश्र घाना और युगोस्लाविया के जो मार्शल टिटो थे और इंडोनेशिया के सुकार्नो साहब थे, इन लोगों ने बांडुंग सम्मेलन भी इंडोनेशिया में बनाया गया था, उसके 1961 से माना जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये एक प्रकार से सेकुलर लीडर थे जो सेकुलरिज्म को मानते थे, सुकार्नो साहब सेकुलरिज्म को मानते थे, सोशलिज्म को मानते थे, ये बात थी। हालांकि बाद में इनकी विचारधारा बदल भी गई है, ठीक है। ये कुल मिला के ये तो आपको मैंने फैक्ट के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस क्या है, संविधान दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, ये तीनों फिर मैं बता देता हूँ। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को बनाया जाता है गणतंत्र दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है। बात यह तो होगी चलो 75वां गणतंत्र दिवस मना लिया, क्या गणतंत्र दिवस मना लेने से हम गणतंत्र दिवस हो गया? जी नहीं। इसका मतलब यह है कि आज भी हमारा जो देश है, गणतंत्र दिवस कहने को गणतंत्र दिवस है, लोगों का शासन है, वो बात ठीक है अपनी जगह, किंतु आज भी बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं, जो हमें आज भी बहुत दूर की बातें होनी पड़ी है। देश के सामने बहुत भयंकर चुनौतियां भी है और आपने देखा होगा कोरोना के अंदर, आपने देखा होगा रोज दंगे होते, कभी मणिपुर में दंगा हो रहा है, कभी हिंदू मुसलमान का दंगा हो रहा है, कभी पटेल आरक्षण हो रहा है, कभी जाट आरक्षण हो रहा है, कभी मराठा आरक्षण हो रहा है, ठीक है, कभी भाषा के आधार पर विवाद हो रहा है, कभी क्षेत्र के विवाद पे हो रहा है, कभी आतंकवाद, कभी नक्सलवाद, माओवाद, कितनी देश के अंदर समस्या है, ना जाने कितनी समस्या, मैं पूरी बता भी नहीं सकता, इतनी समस्या है। और वर्तमान में तो नई नई चुनौतियां भी साइबर क्राइम आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या भी आती है। तो इस समय गणतंत्र दिवस पे आज हमें क्या सीखने की जरूरत है कि हमें गणतंत्र दिवस को यदि वाकई सेलिब्रेट करना है, वाकई हमें संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, उनकी आत्मा को हमें संतुष्ट करना है, तो हमें कुछ चीजों पे आज भी ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो आर्थिक सामाजिक विकास, राजनीतिक रूप से तो मैं मान सकता हूँ कि हर भारतीय को वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है, चुनाव लड़ने का भी हर भारतीय को अधिकार है। हाँ, ये भी एक रियलिटी कि हर आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, उसके पीछे ये है कि धनतंत्र बहुतंत्र मतलब इसके अंदर है। फिर भी राजनीतिक रूप से नए मैं और देशों से, विकसित देशों से बढ़िया मानूंगा, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने पहले झटके में सारी महिलाओं को मताधिकार दे दिया था, वोटिंग राइट दिया था, जबकि
जो अपने आप को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक का मसीहा मानता है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन्होंने भी 100 100 200 200 500 500 साल ले लिए थे वोटिंग राइट देने में। ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 में होती है इंग्लैंड की, पर 1920-30 के बाद वोटिंग राइट मिलता है। 1780-90 में अमेरिका की क्रांति हो जाती है, फ्रांस की क्रांति हो जाती है, इन्होंने भी 150 200 250 साल तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया था। किंतु भारत ने जैसे ही आजाद हुआ पहले दिन से वोटिंग राइट दे दिया गया था। बाद में तो राजीव गांधी जी के टाइम में तो वोटिंग राइट देने वालों की एज भी घटाई गई थी, अब तो 18 साल से ऊपर लड़का या लड़की कोई भी वोट डाल सकता है। ठीक है, एक तो आर्थिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास गणतंत्र दिवस पे एक बहुत बड़ी चुनौती। आज भी हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बच्चियों के साथ छेड़खानी, बच्चों की असुरक्षा, ठीक है, साइबर अपराध है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है देश के अंदर, जातिवाद है, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद है, कास्टिज्म है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, ना जाने कौन कौन सा वाद है जो आज भी हमारे सामने आर्थिक सामाजिक विकास के रूप में बहुत बड़ी बाधा बन के उभर है, बहुत बड़ी बात है। तो आज भी हमारे सामने आर्थिक सामाजिक विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो पहले जितनी है वो है देश में सौहार्दपूर्ण भाईचारे का भाव। आज देखो आप हर जगह देख लो, कहीं तो हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भाषा के आधार पे विवाद हो रहे हैं, कहीं पे नस्ल के आधार पे भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के साथ मतलब लैंगिक आधार पे भेदभाव आप देख सकते हो, ठीक है, और जाति के आधार पे आप देखोगे कहीं जाट गुर्जर, ठीक है, ऐसे ही अन्य जातियों में कुशवाहा, पटेल, ये अन्य बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको जाति के आधार पे बटाया जा रहा है, यादव है, और आपने देखा होगा बिहार में तो अब जाति के आधार पे आरक्षण देने की भी मांग आ रही है, ठीक है, जाति के आधार पे बांटा जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी भारतीय गणतंत्र दिवस में भारत के सामने एक समक्ष चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के रूप में हम सबसे बड़ा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन वार हुआ, ठीक है, दूसरा आपने देखा इजराइल फेलिस्तीन विवाद हुआ, तीसरा आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती का जो मतलब मसला भी चल रहा है, नंबर चार देखो पर्यावरण से रिलेटेड बहुत बड़ी चुनौती है, पर्यावरण मतलब इसको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग भी हम बोल सकते हैं, नंबर पाँच डिजास्टर एक बहुत बड़ी, जैसे आपने देखा होगा कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड हो रही है, कभी स्नो स्लाइड हो रही है, तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और महामारी के रूप में आपने अभी पिछले 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के रूप में COVID-19 को देखा, ये अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां आज भी हमारे सामने है। और एक राजनीतिक अस्थिरता भी कह सकते हो, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या। आपने देखा होगा कि अभी बांग्लादेश में चुनाव, विपक्ष ने बिल्कुल जम के विरोध किया, पाकिस्तान के अंदर तो चुनाव होना ना होना एक प्रकार से बराबर है, चाइना के अंदर विशुद्ध रूप से तानाशाही है, ठीक है, ऐसा ही नेपाल के अंदर हो रहा है, ऐसा ही भूटान के हो रहा है, श्रीलंका के अंदर तो राजपक्षे परिवार ने पूरे श्रीलंका को जम के लूटा है, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या आज भी हमारे सामने है। ठीक है, आज फिर हम एक अंतिम क्वेश्चन आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भारत और फ्रांस है, फ्रांस को हमने चीफ गेस्ट बनाया, चीफ गेस्ट, ठीक है, चीफ गेस्ट फ्रांस, तो फ्रांस को हमने चीफ गेस्ट क्यों बनाया, इसके पीछे एक है, नंबर एक तो आपने देखा होगा जो हमारा भारत का जो संविधान है, संविधान दिवस से हम शुरू करते हैं, सॉरी संविधान से गणतंत्र दिवस है, हमारे संविधान को जब बनाया गया था तो इसमें लगभग 3 वर्ष लगे थे, माना जाता है 2 साल 11 दिन 18 महीने एग्जैक्टली, मोटा मोटी मान लो 3 साल, और लगभग 60 देशों के संविधान की स्टडी की गई थी, 60 देशों के संविधान, जैसे जर्मनी के संविधान को पढ़ा गया था, फ्रांस वाले को पढ़ा गया था, ब्रिटेन वाले को पढ़ा गया था, अमेरिका वाले को पढ़ा गया था, आयरलैंड वाले को, सोवियत संघ वाले को पढ़ा गया था, ऑस्ट्रेलिया वाले को पढ़ा गया था, न जाने लगभग कौन कौन से ऐसे देश के संविधान को पढ़ा गया था, लगभग उसके बाद भारतीय संविधान का दस्तावेज तैयार हुआ था। इसी प्रकार जब हमने फ्रांस का संविधान पढ़ा तो फ्रांस के संविधान से भी हमने इसके अंदर काफी चीजें ली थी, जो लिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो हम इसको फंडामेंटल राइट के रूप में, हमारे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है, मूल अधिकार का। दूसरा, भारत की जो प्रस्तावना थी उसके अंदर भी हमने स्वतंत्रता, जो हमारी प्रस्तावना थी, प्रस्तावना के अंदर भी इन चीजों को हम देख सकते हैं, और मूल अधिकार के अंदर भी हम इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये तो हमारी बात हुई संविधान की, ठीक है, इसके बाद जो बात होती है, जो वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां पे फ्रांस काम नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी नेवी है, नेवी को मजबूत करने के लिए सबमरीन हम बना रहे हैं, जिसको बोला जाता है पनडुब्बी में हम स्कॉर्पियन तकनीक की, विश्व की सबसे आधुनिक यदि पनडुब्बी है तो फ्रांस की मानी जाती है, तो वो फ्रांस के सहयोग से हम पनडुब्बियां तैयार कर रहे हैं, ठीक है।
उसी प्रकार वायु वायु के क्षेत्र में है, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनको राफेल विमान भी फ्रांस से हमें मिल रहे हैं। गगनयान, गगनयान के अंदर जो तकनीक है उसको भी हम फ्रांस से ले रहे हैं। ठीक है, अन्य मान लो कि इंडो पैसिफिक रीजन है, सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए भी हम फ्रांस की मदद ले रहे हैं, क्योंकि मेडागास्कर के दोस्त मेडागास्कर द्वीप के पास जो इंडियन ओशियन के अंदर एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड जो फ्रांस का आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड, यहाँ पे भी हम फ्रांस की मदद से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भू राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का अन्य क्षेत्र हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर जगह फ्रांस हमारी मदद कर रहा है। इसलिए और एक अन्य क्षेत्र मान सकते हो कि जो आपने सुना होगा यूएनओ के अंदर पांच सबसे परमानेंट सबसे पावरफुल कंट्री पांच वो मानी जाती है जिनके पास वीटो पावर है, उसमें एक तो अमेरिका है, एक फ्रांस है, एक रूस है, एक चीन है और एक ब्रिटेन माना जाता है। तो वहां पे भारत भी जब अपनी दावेदारी पेश करता है तो माना जाता है कि चीन हमारा कभी समर्थन नहीं करता और अमेरिका कभी कर देता है, पहले नहीं करता था अब हमारा समर्थन कर देता है, किंतु फ्रांस एक ऐसा देश है जो हमारा हमेशा समर्थन करता है, जैसे रूस हमेशा समर्थन करता है वैसे फ्रांस भी हमारा हमेशा समर्थन करता है। इसलिए फ्रांस हमारा बहुत अच्छा देश है और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन साहब से पहले भी ऐसे बहुत से ऐसे राष्ट्रपति है जो हमारे मतलब कि चीफ गेस्ट रह चुके हैं। कुल मिला के सार यही है, आज 26 जनवरी 1924 को हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो हमारे लिए हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है, हमने 75 सालों में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें अचीव की है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाने सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम पूरे विश्व में परचेजिंग पावर के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और जो आर्थिक और सामाजिक जो इंडिकेटर है उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का मसला हो, एनर्जी सिक्योरिटी का मसला हो, क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, क्वालिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटेटिव मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हर चीज़ में हर पैरामीटर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। देश की महिलाएं हर जगह आगे पहुंच रही है और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से विश्व के जो सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट उसके अंदर भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, खेल का मैदान हो, खेत खलियान हो, रक्षा का मामला हो, हर जगह महिलाओं की भागीदारी पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी माना जाता है कि 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो बहुत अच्छी संख्या है, जो आगे आगे बढ़ भी जाएगी। भारत में तो विधानसभाओं में भी आरक्षण की बात है, पंचायती राज में ऑलरेडी मतलब आरक्षण दिया जा रहा था और अब हमारे जो विरासत है हमारी विरासत पे भी हमने 75 सालों में काफी काम किया है, जैसे रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है वहां पे महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया, केदारनाथ जी में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया, बनारस के घाट को सजाया गया, प्रयागराज में कुंभ के मेले में बहुत अच्छा भव्य और दिव्य आयोजन किया गया और अन्य जैसे सिख भाई बहनों के लिए हमने करतारपुर कॉरिडोर को ओपन किया। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारत उस पर गर्व भी कर सकता है और समस्याएं भी बराबर बनती जा रही है, चाहे आर्थिक सामाजिक हो, चाहे राष्ट्र निर्माण के अन्य चुनौती हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, कुल मिला के सार यही है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, उसका उसका कहने का भाव इसलिए है क्योंकि 150 करोड़ लोगों को आज भी हमने उस संविधान के माध्यम से बांध के रखा हुआ और 75 सालों में देश काफी प्रगति की है। हाँ, ये बात जरूर है कि जितनी प्रगति हमारी होनी चाहिए थी, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है उतना हम नहीं कर पाए। ठीक है, और उम्मीद है कि अब आगे धीरे धीरे करके जैसे 75 सालों में तरक्की की है, आज नहीं तो कल हम तरक्की कर लेंगे और भारत भी एक अच्छा विकसित राष्ट्र, विश्व का सबसे मतलब कि सबसे टॉप कंट्री, सबसे टॉप पावरफुल कंट्री जिसको सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहा जाता है वो बन जाएंगे। जय हिंद, बाय बाय।